फिर से एक पार्सल आ गया। चलिए इसको अनबॉक्स करके दिखाते इसके अंदर क्या है। वैसे आप लोग भी सोचेंगे क्या डेली डेली पार्सल मंगा रहा है। चलिए कुछ था नहीं अनबॉक्स करने के लिए, तो हम इससे करने वाले अनबॉक्स। ये चेक करिए, ये है गाइस विंग्स का एयरबर्ड और ये निकालती एक्टिव हो गया गाइस। इसका आंख देखिए चमकना शुरू हो गया, ये दोनों का दोनों आंख चमक रहा। वैसे अंधेरा में ज्यादा अच्छा से दिखेगा, ये देखिए। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, बाकी आज फिर से एक पार्सल आ गया। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते दिखाते इसके अंदर क्या है। वैसे आप लोग भी सोचेंगे क्या डेली डेली पार्सल मंगा रहा है, बट हाँ बहुत पहले ऑर्डर किए थे, सब 7 दिन में लगातार आया जा रहा, तो सब कुछ ऑफर में मिला था ना, तो कम कम दाम का है। बाकी ये 600 का है और इसके अंदर क्या है वो दिखाते हैं। तो चलिए इसको अभी फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, बहुत छोटा सा डब्बा है, देखते इसके अंदर क्या है। तो चलिए करते इसको अनबॉक्स, अभी फटाफट से पार्सल को करते अनबॉक्स। बाकी कोई भी नहीं था पकड़ने के लिए, तो खुद से ट्राइपॉड को एकदम लटका करके वीडियो बना रहे। तो अब इसको अनबॉक्स करते दिखाते हैं आप लोगों को कि इसके अंदर से क्या है। कुछ था नहीं अनबॉक्स करने के लिए, तो हम इससे करने वाले अनबॉक्स। तो गाइस डब्बा हो चुका है ओपन, अब इसके अंदर से निकालते कि क्या है इसके। निकल जा, ये चेक करिए, ये है गाइस विंग्स का एयरबर्ड जो कि व्हाइट कलर में है। हम तो ब्लैक मंगाए थे। तो गाइस उस पर विंग्स फैंटम लिखा हुआ है, बाकी ये रहा है एयरबर्ड और इसका एड करता है शुभमन गिल। बाकी ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऐसे ही हम मंगाए थे, तो रिव्यू चेक करते ये कैसा है। ये हो गया कुछ बॉक्स ओपन, अब इसके अंदर चेक करते हैं। तो देखिए बहुत ही प्रीमियम टाइप से बनाया है, मतलब इधर ये हिस्सा में क्या है पता नहीं। तो पहले इसको निकालते हैं, यहाँ पे मस्त एकदम पूरा फोम टाइप का एक पेपर रखा हुआ है जिससे ये प्रोडक्ट इधर उधर ना हिले। बाकी ये रहा वो हेडफोन, तो अंदर चेक करते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर से एक कागज मिला है, इसके अंदर इसका किताब है, इसको यूज करने का तरीका है और भी बहुत कुछ है, तो इसको रहन देते हैं, तो साइड करते हैं। इसके अंदर से एक कार्ड मिला है, एक नहीं दो दो कार्ड मिला है, तो इसको भी साइड रखते हैं। बाकी ये डब्बा हो गया अभी खाली, और इस डब्बे के अंदर क्या है वो चेक करते हैं। तो इसके अंदर से मिलता है कुछ स्टिकर, विंग्स का स्टिकर है गाइस, ये चेक करिए बहुत सारा है। ये गेमिंग हेडफोन है, वैसे गेमिंग एयरबर्ड है। वैसे डब्बा खाली होने वाला है, बस ये डब्बा खाली हो चुका है। इसके अंदर से एक और ये निकला, अब इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या है। इसके अंदर से निकलता है एक चार्जर का केबल, बाकी चार्जर इसके अंदर नहीं है, तो घर पे जो भी आपका चार्जर है आपको उससे ही चार्ज करना होगा। बाकी इसके अंदर से निकलता है कुछ आगे वाला रबर, जो हेडफोन के आगे एयरफोन के आगे लगेगा वो रबर है। अभी सबको साइड करते हैं, अब बारी है गाइस बॉक्स ओपन करने का। ये देखिए यहाँ पे आग बना हुआ है दो, बाकी ये विंग्स का है, बहुत ज्यादा बहुत मस्त लग रहा है। डब्बा को करते ओपन, अंदर में दो और ये निकालते ही एक्टिव हो गया गाइस। इसका आग देखिए चमकना शुरू हो गया, एक चमक रहा है एक अंदर वाला नहीं चमक रहा, तो अभी उसको निकाल के देखते क्या वो चमकता है कि नहीं। तो जैसे ही ये यहाँ से छूटता है ना, तो ये चमकना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में ये देखिए ये आँख भी चमकना स्टार्ट हो गया है। तो पूरा बंद करते हैं तो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों का दोनों आँख चमक रहा। वैसे अंधेरा में ज्यादा अच्छा से दिखेगा, ये देखिए। फटाफट से करते कनेक्ट और फिर चेक करते इससे कैसा है और कैसा नहीं है। ये देखिए चमक रहा गाइस, बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है ये, देखिए मेरे कान में एकदम फिट आया है और ये चमक रहा बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है गाइस। अब चेक करके बताते हैं इसका क्वालिटी कैसा, कैसा आवाज आता है, क्या क्या होता है इससे। बाकी सामान तो ऐसे बिखरा चुके हैं हम, इसे ट्राइपॉड से अभी वीडियो बना रहे थे ऐसे रख के, बाकी सारा सामान तो यहाँ पे बिखरा के रखे। और ये पॉड्स जो है ना गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिना इसको फोन से कनेक्ट करते फिर देखते इसका आवाज कैसा आता है, कैसा लुक है, मतलब कैसा क्वालिटी है साउंड का, और भी बहुत कुछ चेक करके बताते हैं आप लोगों को 2 मिनट में। गाइस अभी हेडफोन बहुत ज्यादा मस्त थे, बहुत खतरनाक आवाज आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मस्त। उसका सब कुछ चेक किया, लेफ्ट राइट एकदम परफेक्ट साउंड दे रहा है जैसे कि वो रियल में। बाकी अभी ना एक चीज चेक करते हैं, यास्मीन कुरान शरीफ पढ़ रही है और ये बैठ करके गाना बजा रहा है वहां पे, बहुत अच्छा। हाँ देख सकते हैं अभी बज रहा है। गाइस आपको ना एक चीज दिखाते हैं, इसको चार्ज में लगाएंगे और फिर चार्ज से खोलेंगे। तो गाइस अभी इसको चार्ज में लगा दी और ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया, बाकी अभी चार्ज से खोलेंगे ना तो इसका आंख देखिएगा। ये देखिए गाइस इसका आंख भी है। किधर से खोल रहा रे, इधर से खुलेगा नू, आंख खोलते ही बंद हो जाएगा। कहाँ रिपोर्ट? अरे यहाँ पे भूल गया यहाँ पर। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे मतलब एयरबर्ड तो कंटिन्यू 30 घंटा तक चलेगा प्ले टाइम, मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा 30 घंटा। भाई साहब देख, सुबह ईयरबड्स आया था तो उसका अनबॉक्सिंग किया था, बाकी अभी वापस से ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। और गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी जस्ट ब्लॉग भी अपलोड किए, 3:30 बज रहा होगा, 3:30 बज रहा है, 4 बज गया मैं, 4 बज रहा। अभी कुछ 1 घंटा पहले ब्लॉग अपलोड किए। बाकी ये देखिए गाइस इसके अंदर ना, ये देखिए आप, अरे किधर गया पकड़ा ना सलमान ना मछली पकड़ के लाया, ठीक है। ये देखिए मछली और भी है इसके अंदर छोटा छोटा, पकड़ दो। पकड़ा क्यों नहीं रहा रे इतना छोटा सा पानी में। गाइस ये देखिए छोटा छोटा मछली सलमान लेकर के आया है,
अरे कितना कूद रहा। ये सब मछली को ना कुआं में छोड़ेंगे, कोठिया है तो ये सब मछली का बच्चा लोग को है ना कुआं में छोड़ेंगे, जिसके वजह से ये बड़ा हो जाएगा और कुआं में जो भी कीड़ा वीड़ा रहेगा ना तो ये लोग खाएगा। तो पापा बोले थे कि छोड़ देना, तो सलमान पकड़ के लाया था, तो चलिए अब इसको कुआं में लेकर के जाते हैं छोड़ने के लिए। चल तो गाइस चलिए दिखाते आप सभी लोगों को कैसे हम लोग कुआं के अंदर मछली को डालते हैं। ये बाल्टीन है ठीक है, पहले थोड़ा सा पानी लेकर, वैसे हम लोग का कुआं यहीं पे आ गया, एकदम इतना पास में पानी आ गया गाइस, ऊपर से ही दिखने लग गया। अभी पानी को खींचा जा रहा है, निकालो बाल्टीन, मछली सबको उठा उठा कर डालो, मत मत गिराओ ना, पैर में लग रहा है यार। मछली उबला जो लाया था, एक मछली गया इसके अंदर, बाकी छोटा छोटा है को भी डालते इसके अंदर। तो ये और दो तीन एक्स्ट्रा गया, बाकी और दो है इसके अंदर। अरे मत हिलाओ ना, अरे यार किधर गया। अब ये देखे सारा मछली पकड़ लिए, अब ये भी गया इसके अंदर, बाकी कितना मछली है, एक दो तीन चार पाँच छह मछली गई। अब इसको डालना है कुआं के अंदर, तो ऐसा कुछ डाला जाता है, यास्मिन डालती। अब इसको पानी में डाल करके छोड़ देना है। तो पानी में जैसे पानी भरेगा ना, ये चेक करेगा इस मछली दिख रहा ऊपर से ही, तो पानी जैसे अब अंदर गया, अब धीरे धीरे मछली बाल्टीन से बाहर आ जाएगा। आया पूरा डाल, पूरा डाल, हिला थोड़ा पानी को, बाल्टीन को वापस ऊपर लाते हैं। अब वो लोग इस कुआं के अंदर रहेगा, जो भी कीड़ा वीड़ा रहेगा ना तो मछली लोग खा लेगी, है क्या मछली। गाइस सारा मछली यहाँ से चला गया, कोई मछली नहीं है इसके अंदर, और पानी देखिए कितना पास आ गया गाइस, बाकी कुआं में बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है। तो अभी हम लोग कुआं में डाल दिए। अरे तेरा क्या हो गया, अरे पीछे कादा लग गया। तो गाइस ये मछली पकड़ने गया था ना, तो इसका पूरा कादा लग गया, मतलब कादा मीन्स मिट्टी लग गया। देखिए इसको दिख रहा है क्या मछली, दादी डाल दी मछली, ठीक है। हाँ छोटा दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे तैर रहा है गाइस, ये देखिए, हाँ हाँ दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखिए देखिए दिख रहा है ये लोग तैरते हुए। अभी ये लोग कुछ दिन तक ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी इन लोगों को आदत नहीं है, बट बाद में ये लोग नीचे जाना सीख जाएगा। कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि कल बहुत भीगे थे, परसों भी भीगे थे, मतलब डेली अभी भीग रहे, तो तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए आज घर पे ही है। बाकी आज भी सुबह से बारिश हो रहा था, अभी कुछ देर पहले बारिश बंद हुआ है और आज बारिश वाला मौसम है। अभी ना फिर से वापस वैसे ही सीन हो गया, कंटिन्यू बारिश होना स्टार्ट हो गया। पता नहीं जिस दिन मौसम साफ रहेगा उस दिन जाएंगे कहीं घूमने फिरने, आज भी बारिश हो रहा था, सुबह भी बारिश हुआ, दोपहर में भी बारिश हुआ, अभी वापस कुछ देर में बारिश स्टार्ट होगा, तो कहीं जा भी नहीं सकते, बस घर पे ही ब्लॉगिंग करते कुछ ना कुछ। अभी शाम के 6 बज गए, वैसे अभी जस्ट मगरिब का अजान हुआ था और अभी जस्ट नमाज हुआ, फिर अभी मिलाद में हम लोग जा रहे हैं, बाकी अरमान है यहाँ पे और सबको आ गया मिलाद में जाने के लिए, तो चलिए अभी चलते हैं मिलाद में। और चल रहे नहीं जाएगा, तो गाइस चलिए अभी चलते हैं मिलाद में, मिलाद से आकर के ब्लॉगिंग करते हैं। चलो मिलाद से आ गए, बाकी अभी रात के 8 बज गए, अभी जल्दी जल्दी खा के जल्दी जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि ठंडा मौसम होने लगा ना, मस्त बारिश हो रहा है, दो तीन दिन से अब धीरे धीरे ठंड घुसने लग गया। तो अभी वहाँ मिलाद से लेकर आए थे, ये कुरमा मिला था वहाँ पे, ये अभी खाए, बाकी और भी वहाँ पे रखा हुआ है सारा वाजिलों का, अभी हम एक पीस खा लिया अपना। तो खाने में बनाए रोटी दाल, रोटी और दाल बनाई है मम्मी आज, ये देखे मम्मी कैसे खुरमा खा रही है। चलिए गाइस आज का ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर ब्लॉग पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।